अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। टुडेज वीडियो इज मेंट फॉर क्लास 11th एजुकेशन स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। वी हैव अंडरस्टूड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। And today we are going to discuss school as an agency of education. Yani, what is the role of school? Dear students, as you remember that school is a formal agency of education and active agency of education. Pyare bachcho, school jo hai ye formal agency of education hai, kyunki ये जो स्कूल है सिर्फ इस मकसद के लिए फ्रेम किया गया है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। यानी डिलिबरेटली एस्टैब्लिश बाय द स्टूडेंट सोसाइटी, यानी जो स्कूल जो है इट इज डिलिबरेटली एस्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यानी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन भी है। यानी इसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन या टू वे कम्युनिटी सिस्टम होता है। यानी बच्चे टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू द इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्कूल। यानी स्कूल इज मीनिंग, इटिमोलॉजिकली स्कूल की मीनिंग क्या है? सो इटिमोलॉजिकली we can say that school has been derived from a Greek word skol, which means leisure. yani school ek Greek word se liya gaya hai, skol se, skohle, skol, which means leisure. actually in ancient times school ka concept nahi tha. dear students, ancient time mein ye jo school hai iska concept नहीं था। यानी डियर स्टूडेंट्स, द वे वी फाइंड स्कूल्स टुडे, इस तरह के स्कूल पहले यानी एंशिएंट टाइम में नहीं थे, यानी हमारी सोसाइटी में नहीं थे। बल्कि जो पढ़ा लिखा तबका था, यानी जो रिनाउड पीपल थे, सिविलाइज्ड पीपल थे, एजुकेटेड पीपल थे, डियर स्टूडेंट्स, वो अपने घर में बैठ के कुछ लोगों के साथ बात किया करते थे, टाइम पास किया करते थे। कुछ जो अमीर घरों के जो बच्चे थे, यानी जो एलीट तबके के जो बच्चे थे, वो उन के पास आया करते थे। यानी जो एजुकेटेड पीपल थे, फिलोसोफर थिंकिंग, यानी जिनकी फिलोसफिकल सोच थी, जो एजुकेटेड जो पीपल थे, सिविलाइज्ड पीपल थे, उनके पास, यानी एलीट फैमिली के तबके, एलीट तबके से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स थे, यानी अमीर घरों के जो स्टूडेंट्स थे, वो उन लोगों के पास आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे, उनके साथ बात करते थे। बट दैट वॉज कंसिडर्ड जस्ट टाइम पास, तो इसलिए उस जगह को स्कोल कहा जाता था। स्कोल यानी वो जगह, यानी जैसा मैंने अभी बताया कि अमीर तबके के जो लोग थे, अमीर तबके के जो स्टूडेंट्स थे, एलीट तबके के जो स्टूडेंट्स थे, वो एजुकेटेड या सिविलाइज्ड पीपल जो सोसाइटी में थे, उनके घर आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे, उनसे बात करते थे, उनसे एजुकेशन लेते थे। लेकिन दैट वॉज कंसिडर्ड जस्ट टाइम पास, उसको टाइम पास कंसिडर किया जाता था, तो इसलिए उस जगह को स्कूल कहा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, यानी लेजर, जहां पे लेजर टाइम, जहां पे एक्स्ट्रा टाइम पास किया जाता था। एक्चुअली जब हम उन दिनों की बात करेंगे, एजुकेशन जो थी, मतलब जो बच्चे की अपब्रिंगिंग थी, बच्चे का जो डेवलपमेंट था, यानी वोकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, दैट वॉज एक्चुअली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। सब कुछ फैमिली से जुड़ा हुआ था, सारा रोल जो है वो फैमिली ही निभाती थी। मतलब बच्चे की अपब्रिंगिंग, बच्चे में जो वैल्यूज पैदा करने थे, बच्चे की जो
वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होती थी माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ फैमिली का रोल था, यानी लाइफ वॉज सिंपल और बच्चा घर ही से ये चीजें सीखता था। जैसे अगर हम आज देखें, देयर इज नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, इट इज कंपल्सरी फॉर ए चाइल्ड टू अटेंड स्कूल। इसी तरह का माहौल, यानी जो आज का माहौल है, इस तरह का माहौल नहीं था पहले। बच्चा घर में ही बैठ के सीखता था, यानी रहन सहन, यानी सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के तौर तरीके क्या है। मतलब जो काम आज स्कूलों में निभाया जाता है या निभाता, जो जो आजकल के काम है जो स्कूल निभाता है, दैट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एट दैट टाइम डियर स्टूडेंट्स। यानी स्कूल का ऐसे कंसेप्ट नहीं था, यानी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी डेवलप होती गई, कंप्लेक्सिटी आती गई हमारी सोसाइटी में, तो सोसाइटी में एक नीड पैदा हो गई, सोसाइटी एक जरूरत इमर्ज हो गई सोसाइटी में, एक सोशल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यानी सोसाइटी में बस ये जरूरत, आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी डेवलप होती गई तो ये जरूरत पर महसूस होने लगी कि एक सोशल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूट की जरूरत है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसका काम ही होगा टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड नॉलेज, टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इस तरह से इमर्ज हो गया कंसेप्ट ऑफ स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, तो स्कूल का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, हालांकि जब हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पे गुरुकुल सिस्टम था, चाइना में स्कूल्स थे डियर स्टूडेंट्स, रोम में स्कूल्स थे, लेकिन जिस तरह आज ये नेटवर्क है स्कूल्स का, यानी कंपल्सरी स्कूलिंग, ये एक मॉडर्न स्कूलिंग है जो आजकल चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्कूल का कंसेप्ट है सोसाइटी में, इट इमर्ज्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी सोसाइटी में 18th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ स्कूल का, जो आज का जो एक कंसेप्ट है। तब तक स्कूल एज फॉर्मल एजेंसी नहीं था, यानी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्कूल, यानी ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था स्कूल का। अब हम ये देखेंगे कि स्कूल क्या है, यानी हाउ टू डिफाइन स्कूल, स्कूल की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है स्कूल की। डियर स्टूडेंट्स, ओटावे एक एजुकेशनिस्ट है, ही सेज स्कूल मे बी रिगार्डेड एज ए सोशल इन्वेंशन टू सर्व सोसाइटी फॉर स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ यंग। यानी मैं फिर से रिपीट करूंगा ओटावे की डेफिनेशन, ओटावे से स्कूल मे बी रिगार्डेड एज ए सोशल इन्वेंशन टू सर्व सोसाइटी फॉर स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ यंग। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी डेफिनेशन है स्कूल की, ओटावे की जो डेफिनेशन है, ये एक अच्छी डेफिनेशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्कूल क्या है। फर्स्ट यू मस्ट रिमेंबर इट इज ए सोशल इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, मींस जो ओटावे कहता है कि स्कूल मे बी रिगार्डेड एज सोशल इन्वेंशन, यानी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्कूल जो है इट इज ए सोशल इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूट विच इज एस्टैब्लिशड एट द फैमिली लेवल, बट इट इज ए सोशल इंस्टीट्यूट, यानी ये सोसाइटी का एक सेट किया हुआ इंस्टीट्यूट है। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए सोशल इन्वेंशन द पर्पस ऑफ विच इज टू सर्व द सोसाइटी। कैसे सोसाइटी को सर्व करना है, स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ यंग, यानी उनका काम ही है सर्व करना, यानी दे हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर द टीचिंग प्रोसेस ऑफ यंगर जेनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह जब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, तो ये बन गया हमारा फॉर्मल एजेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स,
इस डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्कूल क्या है। यानी स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूट है, सोशल इन्वेंशन है, जिसका स्पेशलाइज्ड काम है टीचिंग ऑफ यंगर जनरेशन, टीचिंग ऑफ वैल्यूज, टीचिंग ऑफ स्किल्स, टीचिंग ऑफ वोकेशंस, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अमंग यंगर जनरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ये जो है दिस इज ऑल अबाउट स्कूल। ये स्कूल की मीनिंग क्या है, यानी स्कूल क्या है, मुझे आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि स्कूल क्या है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ स्कूल या इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल या फंक्शंस ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मींस कि फंक्शंस ऑफ जो स्कूल हैं वो क्या है एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो पहली जो फंक्शन है, पहली जो इंपॉर्टेंस है या पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल का, दैट इज कंप्लीट डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, स्कूल जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती है, यानी कैरिकुलर एक्टिविटीज और को कैरिकुलर एक्टिविटीज। कैरिकुलर एक्टिविटीज मीन्स क्लासरूम एक्टिविटीज, जिसमें हम बच्चों को डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरिकुलर एक्टिविटीज। यानी जहां डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग होती है, और डिफरेंट टाइप्स की को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल में होती है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी डिबेट्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सोशल सर्विस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन ये एक्टिविटीज यानी को कैरिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में होते हैं। यानी बच्चों को हम इन डिफरेंट को कैरिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं जब हम स्कूल की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, को कैरिकुलर एक्टिविटीज में और कैरिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। मींस सोशल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वोकेशनल डेवलपमेंट होती है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। यानी बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट वो होता है, यानी हारमोनियस डेवलपमेंट बच्चे का होता है, या हम यूं कहें नॉलेज डेवलपमेंट होती है बच्चों में। यानी बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है थ्रू डिफरेंट को कैरिकुलर एंड कैरिकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स, जो पहला जो पॉइंट है, तो जब हम देखते हैं कि थ्रू डिफरेंट कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज से बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, सो वी कैन से दैट स्कूल हेल्पर्स इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। नंबर सेकंड इज कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज। एक इंसान को हम तब रियल ह्यूमन बीइंग यानी इंसान कह सकते हैं जब इसमें डिफरेंट वैल्यूज पैदा हो जाए, यानी वैल्यूज ऑफ ट्रूथफुलनेस, वैल्यूज ऑफ जस्टिस, वैल्यूज ऑफ ओपन माइंडेडनेस, वैल्यूज ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, वैल्यूज ऑफ फिलोसफिकल एटीट्यूड। दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज माई डियर स्टूडेंट्स, जो एक बच्चे में होने चाहिए, जो एक इंसान में होने चाहिए। एक इंसान तभी रियल ह्यूमन बीइंग कहलाता है जब उसमें ये डिफरेंट हायर वैल्यूज पैदा हो जाए, यानी ओपन माइंडेडनेस, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, ये वैल्यूज पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम दरख्त की बात करेंगे, जब दरख्त से सेब नीचे गिरता है, ये नीचे हमारे जहन में क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि ये सेब नीचे क्यों आए, ये कैज पे ऊपर है, इस गसन आप फॉर ग्रांटेड नहीं इथ वेट की, हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसका रीजन पूछना चाहिए कि दैट कि ये नीचे क्यों गिरा, दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज जब एक इंसान में डेवलप होंगे तो उसे हम रियल ह्यूमन बीइंग कहेंगे। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो इंसान में होने चाहिए, ये स्कूल में ही पैदा होती हैं। यानी एक स्टूडेंट में, एक इंसान में, ये स्कूल ही पैदा करता है दीज डिफरेंट वैल्यूज। नंबर थर्ड इज वोकेशनल डेवलपमेंट। माई डियर स्टूडेंट, स्कूल जो है इट हेल्पस इन इट इनकल्केट्स डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट वोकेशन अमंग द स्टूडेंट्स, विच हेल्पस एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लाइवलीहुड।
that is vocational development, my dear students. Dear students, number fourth point जो है, number fourth function जो school की है, that is social efficiency. यानी school जो है ये हमें एक opportunity provide करता है to have social interaction. John Dewey की हम बात करते हैं, he calls school as a miniature society. John Dewey कहता है school जो है it's a miniature society. यानी एक छोटी मोटी सोसाइटी जहां हर तबके का इंसान मिलेगा, जहां हर तबके का एक इंडिविजुअल हमें मिलेगा, विच हेल्पस अस टू अंडरस्टैंड अवर कल्चर, विच हेल्पस अस टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी का हर एक इंसान, सोसाइटी का हर एक अंग जो है आपको स्कूल में मिलेगा. सो जॉन डेवी डिक्लेयर स्कूल एज ए मिनिएचर सोसाइटी. डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल में इंटरेक्ट करना सीखते हैं, नेचुरली एट बिगर लेवल इट हेल्प्स अस टू लिव इन आवर सोसाइटी. इट इज स्कूल या इट इज सोशल एफिशिएंसी. डियर स्टूडेंट्स, इट इज इट प्रिपेयर्स फॉर सोशल लाइफ, इट सोशलाइजेस अस, इट डेवलप्स वेरियस सोशल क्वालिटीज अमंग अस. जहाँ जब हम स्कूल की बात करते हैं, इट गिव्स अस ट्रेनिंग टू लिव इन ए सोसाइटी, दिस वी कॉल सोशल एफिशिएंसी. इसको हम सोशल एफिशिएंसी कहेंगे. नंबर फिफ्थ जो फंक्शन है, नंबर फिफ्थ जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल का, दैट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन. मीन्स स्कूल जो है इट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर आवर कल्चर. स्कूल्स helps us to know our roots. Schools helps us to understand our past. Schools helps us to understand our culture. And we understand our culture when schools transfer the culture of the society among the young ones. Means culture gets preserved. We can say simply that schools helps us in the cultural preservation. These are the various functions of school as an agency of एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा.